इन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध जटिल ऑपरेशन क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज होराइजन हॉस्पिटल जलविहार कॉलोनी कटोतला रायपुर। राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय बजरंग दल प्रदेश मोर्चा ने प्रेस वार्ता में बताया कि स्पा सेंटर की आड़ में अश्लीलता परोसी जा रही है, जिसकी रोकथाम के लिए जिला अधिकारी SP राज्यपाल सहित सभी प्रमुखों को ज्ञापन सौंपा गया था। इस पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसके चलते बजरंग दल आने वाले समय के स्पा सेंटर के बाहर प्रदर्शन करेगा। स्पा सेंटर पर जो अश्लीलता परोसी जा रही है, उसके विरोध पर एक पत्रकार वार्ता लिया है और हम चाहते हैं, शासन से पूर्व में मांग किया गया था, ज्ञापन दिया गया था, जिला अधिकारी SP साहब राज्यपाल महोदय सहित सभी प्रमुखों को, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और उस विषय को लेकर आगामी आंदोलन को लेकर यहाँ पर प्रेस वार्ता किया गया। वहाँ पर जाकर हमने वहाँ पर स्टडी किया है, छः माह तक स्टडी किए हैं और वहाँ पर जो निष्कर्ष निकला, हम उस विषय को लेकर फिर से शासन को ध्यान आकर्षण करा रहे हैं कि ये विषय बहुत ही गंभीर है, जिससे कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति खराब होने वाली है। जो सेक्स रैकेट का धंधा पूरे छत्तीसगढ़ में जो जोरों से चल रहा है, स्पा सेंटर खोल के सैलून और मसाज प्रदेश के अंदर जो स्पा सेंटर का जो लाइसेंस लिया गया है, स्पा सेंटर का तो लाइसेंस मिलता नहीं है, मिलता सैलून का लाइसेंस, और सैलून का लाइसेंस लेने के बाद लोगों का जो मसाज एक इनका सेक्स रैकेट का एक धंधा है। बाकी ये स्पा सेंटर मसाज के आड़ में जो सेक्स रैकेट का धंधा जो पूरे प्रदेश में जोरों से चल रहा है, आज यहाँ की जो लोकल लड़कियाँ पर प्रदेश के अंदर जो लोकल लड़कियाँ छत्तीसगढ़ की लोकल लड़कियाँ बर्बाद है और कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग, इसमें दो लोग आत्महत्या भी कर लिए हैं। हम वीडियो भी हम जारी करेंगे, हमारे पास 5000 लोगों का डेटा है, 5000 लोगों का डेटा है, हमारे पास वीडियो भी है, हम वीडियो भी जारी करेंगे, डेटा भी जारी करेंगे। और जो सेक्स रैकेट जो खुले हम स्पा सेंटर के आड़ में जो चल रहा है, हम जिला के मुखिया कलेक्टर अवगत कराएं, जिला के मुखिया SP को अवगत कराएं, IG को अवगत कराएं, बाकी किसी ने हमारी बात को नहीं सुना। आज एक छोटा सा हुक्का प्रदेश के अंदर गांजा बिक रहा है, प्रदेश के अंदर गांजा बिक रहा है, CM को ये बात पता है, और एक प्रदेश के अंदर हुक्का सेंटर चल रहा था, CM ने हुक्का को बंद कराया, हुक्का सेंटर को बंद कराया। क्यों? 17 साल 18 साल 19 साल की युवा बिगड़ रहे थे। अच्छी बात है कि हुक्का सेंटर को बंद कराया अपने और गांजा बंद नहीं कराया। हमारे कहने का मतलब आज यही स्पा सेंटर में जो 18 साल 19 साल 17 साल के युवा बिगड़ रहे हैं और लोकल जो लड़कियाँ छत्तीसगढ़ के अंदर जो लोकल लड़कियां जो ग्रामीण क्षेत्र से लोकल लड़कियों को बुलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं दो पैसे का लालच में ग्रामीण लड़कियां बिगड़ती जा रही हैं।